नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर मोक्ष धाम के पास ट्रेन के चपेट में आया युवक, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया तब तक युवक के ऊपर से गुजर गई 8 बोगिया, उपचार के दौरान हुई मौत। खेर थाना पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ा, हुई कई खुलासे, तीनों आरोपियों सहित बाइक खरीदने वाला भी पुलिस हिरासत में। दीपावली के दिन मोबाइल शॉप पर लगी आग, मोबाइल व अन्य सामान जलकर हुए राख। आग लगने से वास्तविक कारणों का नहीं हुआ है खुलासा। ट्रक में ठूस ठूस कर भरे थे गोवंश, 21 बैल, 43 बछड़े, 5 गाय जिंदा मिले, 2 बछड़ों की मौत, आरोपी फरार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की चपेट में आए युवक की। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर मोक्ष धाम के पास ट्रेन की चपेट में आने से घायल हुए युवक की मंगलवार को सुबह मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर के साथ ही युवक नीचे गिर गया था। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए थे, लेकिन तब तक युवक के ऊपर से 8 बोगियां गुजर गई थी। सदर थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर के समय ट्रेन डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। करीब 2 किलोमीटर आगे जाते ही सुरपुर मोक्ष धाम के पास ट्रेन के सामने एक युवक आ गया। ट्रेन की टक्कर के साथ ही वह नीचे गिर गया। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर ने उसे देखकर इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए थे, लेकिन तब तक युवक के ऊपर से 8 बोगियां गुजर गई थी। ट्रेन रुकने के बाद पटरियों के बीच युवक फंसे हुए थे और गंभीर रूप से घायल होकर बाहर निकला। उसके हाथ, पैर, सिर और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल लाकर भर्ती करवाया गया। गंभीर घायल युवक की पहचान शहर के न्यू कॉलोनी निवासी हरीश भोई के रूप में की गई है। डॉक्टरों ने घायल हरीश का इलाज शुरू किया, लेकिन मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल गजराज सिंह डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। पुलिस ने मृतक हरीश भोई का पोस्टमार्टम करवाया, वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सुखेर थाना पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ा है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को नाहर सिंह ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शोभागपुरा के पंचायत भवन के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने सवीना क्षेत्र से अभियुक्त कमलेश, हिम्मत और आफताब का डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने शुभापुरा पंचायत भवन के बाहर से बाइक चुराना कबूल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने उक्त घटनाओं के अलावा सवीना, धोलकी पार्टी, सलुम्बा रोड, टोल नाके से पहले सेक्टर 6 कॉलेज के पास हिरणमंगरी से भी अलग अलग मोटरसाइकिल चोरी करने का बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। प्रकरण की मोटरसाइकिल के अलावा अन्य चोरी की गई मोटरसाइकिल दिनेश निवासी करणपुरिया सेमारी उदयपुर को बेचना बताया, जिस पर अभियुक्त दिनेश के कब्जे से मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। उदयपुर में नेहरू बाजार की एक मोबाइल शॉप पर दीपावली त्योहार के दिन सोमवार रात को आग लग गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन शॉप में रखे मोबाइल व अन्य सामान जलकर राख हो गए। दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। घटना रात करीब 10:15 की है। आग जलने के कुछ ही देर बाद नगर निगम की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया।
आग बढ़ने पर आसपास की दुकानों को भी बड़ा नुकसान हो सकता था। आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। जानकारी के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर ईशा मोबाइल रिपेयरिंग एंड स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई थी। साथ ही पहले फ्लोर पर भी एक दुकान में आग की लपटें आने से कुछ नुकसान हुआ है। उदयपुर जिले के कोराबड़ इलाके में एक टायर की दुकान में आग लग गई। आग पर काबू पाने तक अंदर पड़े टायर सॉल्यूशन समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। दुकान मालिक देर शाम पूजा करने के बाद दीपक लगाकर घर चला गया था। संभवतः चूहे द्वारा दीपक गिरने से अंदर पड़े ट्यूब में आग लग गई। कोराबड़ के जगत गांव में सोहन सिंह की टायर की दुकान है। सोमवार को देर शाम दीपावली की पूजा अर्चना करके सोहन सिंह घर निकल गया था। उसके घर जाने के बाद तकरीबन पौन घंटे बाद संभवतः चूहे के द्वारा दीपक को नीचे गिरा दिया गया। इससे आग दुकान में फैल गई। दुकान में टायर पंचर बनाने में काम लिया जाने वाला सॉल्यूशन से आग ने विकराल रूप ले लिया। महज कुछ ही समय में पूरी दुकान में आग लग गई, जहां आग की लपटे देख ग्रामीण दौड़ पड़े। हाथों हाथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद अंदर पड़े टायर समेत सॉल्यूशन समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि आग की लपटे अन्य दुकानों को अपनी चपेट में नहीं लिया। उससे पहले ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। यदि ग्रामीणों ने वक्त रहते प्रयास नहीं किए होते तो दुकान की पट्टियां धराशायी हो गई होती। अजमेर जिले के नसीराबाद नेशनल हाईवे रामसर बाईपास चौराहे स्थित पुलिया पर एक चलते ट्रेलर में आग लग गई। अचानक आग लगने से ट्रेलर के चालक व खलासी ने चलते ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग से ट्रेलर जलकर स्वाहा हो गया। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान वाहनों को पुलिया के ऊपर जाने से रोक दिया गया। आग पर काबू पाने के बाद यातायात सुचारू किया गया। इस दौरान एक घंटे तक यातायात भी बाधित रहा। पुलिस के अनुसार ट्रेलर दिल्ली से टाइल्स भरकर चेन्नई जा रहा था। शाम करीब 7 बजे रामसर बाईपास चौराहे पर स्थित पुलिया पर चलते ट्रेलर में अचानक डीजल टैंक के पास संभवतः शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रेलर में लगी अचानक आग को देखकर ड्राइवर ने ट्रेलर को पुलिया के ऊपर ही रोक कर खड़ा कर दिया तथा ड्राइवर व खलासी ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल को सूचित किया। पुलिस ने पुलिया के ऊपर जाने वाले यातायात को रोका। दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले ही विकराल आग ने पूरे ट्रेलर को चपेट में ले लिया और ट्रेलर जलकर राख हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। आग बुझने पर यातायात सुचारू कराया गया। हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी की टीम द्वारा नोरा गांव में गरीब बच्चों के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। संस्थापक डिंपल भावसार ने बच्चों को 50 से ज्यादा उपहार दिए। बच्चों में भी उल्लास और खुशी की उमंग देखी गई। संस्था के सदस्य देवसा तितड़ी ने बताया कि इस पावन पर्व पर गरीब बच्चों को नए कपड़े, मिठाई, स्टेशनरी और फुलझड़ी दी गई और इसके साथ ही बेजुबान जीवों का ध्यान रखने का संदेश दिया गया। इसमें मिठाई का तनवीर जी भारत मालवी की तरफ से सहयोग रहा। इस दौरान डिंपल कुमावत, निशु, हर्षित सोनी, रोहित, समीक्षा, चिंटू, हर्षिता जी, विनय, जय, तिशा, जयेश, अनुरोध, आकाश आदि सदस्य उपस्थित रहे। दीपावली का त्यौहार आने से पहले ही जहां व्यापारियों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा था, वहीं दीपावली त्यौहार के चलते व्यापार संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापारी संगठनों ने अपने बाजार को रोशनी से जगमगा दिया। 2 साल में कोविड काल के बाद आई इस दीपावली पर एक बार फिर से लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। उदयपुर शहर के मुख्य बापू बाजार सूरजपोल में लोगों की आवाजाही देर रात 8 बजे से लगाकर 11 बजे तक देखने को मिली। लोगों की बढ़ती चहल पहल से क्षेत्रीय व्यापारियों के भी मुस्कुराहट देखने को मिली। वहीं शहर के गायकों को मौका देने के तहत मंच बनाए गए।
घूमते फिरते लोगों ने बज रहे बैंडों पर खूब थिरके। वहीं अरुणाचल में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर मुस्तफा रहे जिंदाबाद के नारे भी लगे। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स व्यापार संघ के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता के तहत निरीक्षण करते नजर आए गए। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने सभी व्यापारियों के किए गए शहर की सुंदरता को किए गए कार्यों को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। घरों से निकलकर एक बार बाजार में घूमने फिरने और मनोरंजन के तहत आई जनता की सुरक्षा के लिए भी शहर का जिला प्रशासन के तैनात रहे जवान मुस्तैद नजर आए। वहीं आमजन बाजार में लगे चाट चाटनी गोलगप्पे के काउंटर पर खूब चटकारे लगाते हुए नजर आए। अजमेर जिले के सरवाड़ थाना पुलिस ने लावारिस खड़े ट्रक को जब्त किया। ट्रक में गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। 21 बैल, 43 बछड़े, 5 गाय जिंदा मिले, वहीं 2 बछड़े मृत मिले। पुलिस ने सभी गौशालाएं पहुंचाया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरवाड़ थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह को टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि अंबेडकर सर्किल सरवाड़ पर एक ट्रक खड़ा है और चालक मौके पर नहीं। इस पर पुलिस टीम के मौके पर पहुंची और चेक करने पर ड्राइवर सीट पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और केबिन में भी कोई व्यक्ति नहीं मिला। यह कंटेनर संदिग्ध होने पर चेक किया गया तो कंटेनर में अवैध गोवंश ठूस ठूस कर तस्करी के लिए भरे हुए थे। कैबिन की तलाशी के दौरान इस गाड़ी से संबंधित फोटो और कागजात, इंश्योरेंस, आरसी फॉर्म 48, परमिट पॉट बी, फिटनेस रजिस्ट्रेशन चेतन कार्गो मूवर्स प्रोफेसर राधेश्याम दयाकिशन दिनेश भिवानी हरियाणा के नाम से होना पाया गया। ट्रक के केबिन में एक छोटी खिड़की पीछे की तरफ से लगी हुई है। खिड़की को खोलकर देखा तो कंटेनर में अवैध गोवंश ठूस ठूस कर भरे हुए दिखाई दिए। सभी गोवंश के मुंह व गाल में रस्सी बांधी हुई थी। पीछे से गेट खोलकर चेक किया तो कंटेनर में अवैध गोवंश 21 बैल, 43 बछड़े, 5 गाय जिंदा, कुल 69 मिले और 2 मृत बछड़े पाए गए। पुलिस ने जब्त कर नंदी गौशाला सरवाड़ा पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।